आप भी अगर चौक चौराहों पर खड़े होकर हम स्क्रीन्स लगाकर चलाना शुरू कर दें बयान जो आपने दिए हैं इस मुल्क की फौज के खिलाफ, वो किसी ने नहीं दिए। जो फवाद चौधरी साहब ने कहा उस पर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिए, अब उसको आप क्या कहेंगे? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का एपिसेंटर है। पूरी दुनिया में जिहादी कट्टरपंथिता को फैलाने में पाकिस्तान सबसे आगे रहता है। इसी के तहत पाकिस्तान ने फ्रांस में हुए आतंकवादी हमलों में भी फ्रांस की सरकार का विरोध करते हुए कट्टरपंथियों का समर्थन कर डाला है और अब फ्रांस ने इस पर संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है और वहां रहने वाले पाकिस्तानियों को तत्काल फ्रांस छोड़ने का आदेश दे दिया है। इसी के तहत 183 पाकिस्तानी विजिटर्स को तुरंत फ्रांस से बाहर निकालकर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान अब गड़गड़ा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के रहने वाले एक आर्मी ऑफिसर की बेटी ने फ्रांस छोड़ने से मना कर दिया है, तो अब पाकिस्तानी सरकार फ्रांस सरकार के आगे गिड़गिड़ा रही है कि उसको फ्रांस में ही रहने दिया जाए। पाकिस्तान शायद ये भूल जाता है कि उसकी कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान शायद ये भूल जाता है कि उसकी दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर यूएई के युवराज ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन का समर्थन करते हुए फ्रांस में हुए जिहादी उन्मादी आतंकवादी हमलों का कड़ा विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि इस्लाम के नाम पर किसी भी प्रकार का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देखने वाली बात है कि जहां पाकिस्तान इस्लाम का झंडा उठाकर पूरी दुनिया में जिहाद फैलाने के लिए उन्मादी रूप धारण करता है, तो वही दूसरी ओर सऊदी देश अब धीरे धीरे एक तरफ इसराइल को स्वीकार कर रहे हैं तो दूसरी ओर जिहादी कट्टरपंथिता से खुद को अब दूर करने लगे हैं। पाकिस्तान जहां एक ओर फ्रांस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था तो वहीं दूसरी ओर भारत को बदनाम करने की न जाने कितनी साजिशें रच रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अब पाकिस्तान की मीडिया में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान अब इस सदमे में जी रहा है कि कहीं मोदी फिर से एयर स्ट्राइक जैसा कोई स्टेप ना उठा लें। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया सन्नाटे में जी रही है। तो पलवचा साहिबा, जिस अंदाज से इंडिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हुई है, क्या उसको अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी लोग इस बात के ऊपर उनके खिलाफ एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें? अब इसका मतलब है इस मुल्क के 80% लोग जो थे जो मुख्तलिफ अहदों पर रह गए वो पहले दिन से गद्दार थे। मतलब अगर इंडिया के अंदर किस दिन प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ ख़त्म हुए, वो जमे हुए हैं अपने मौकफ पर। यहाँ हम ही हैं जो कभी उन्हें फ़ोन कॉलें करते हैं, कभी पेशकशें करते हैं, हम तो खड़े नहीं हो सके आज तक। अब ये हुकूमत जिस दिन से आई है, आप मुझे एक दिन बता दीजिए जिस दिन इन्होंने, अभी कुछ दिन पहले ये इंडिया को पेशकश कर रहे थे अपनी अमन की, एक तरफा। खैर सगाली क्या होती है जो दो तरफ से हो? खैर सगाली का एक तरफ से इस तरीके से चले वो भी मान लिया, चौक चौराहों पे खड़े होकर अगर आप पोस्टर ये डेवड़ियाँ बांटेंगे गद्दारी की तो ये फिर ऐसे नहीं होगा कि आप भी इससे बच जाएं। आप भी अगर चौक चौराहों पर खड़े होकर हम स्क्रीन्स लगाकर चलाना शुरू कर दें बयान जो आपने दिए हैं इस मुल्क की फौज के खिलाफ, वो किसी ने नहीं दिए। जो फॉक्स न्यूज़ को अभी वजीर आजम होते हुए इंटरव्यू दिया वो किस उम्र में आता है? जो ईरान में दिया, ईरान में जो इन्होंने बयान दिया आपको पता है, जो ओसामा बिन लादेन के बारे में कहा वो किस हसास इदारे की को कटहरे में खड़ा करता है? ईरान में इन्होंने इस बात का बरमला इतराफ़ किया कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल होती रही है। और अब आप देखिए जो फवाद चौधरी साहब ने कहा उस पर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिए, अब उसको आप क्या कहेंगे? मगर ये जो सिलसिला है ना गद्दारी का, जितनी इस आग को बढ़ाएंगे ये इनकी अपने दामन तक पहुँचेगी। मतलब अब इसके ऊपर मजम्मत आपकी तरफ से, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बतौर इत्तेहादी अयाज सादिक साहब के बयान के ऊपर मजम्मत नहीं है आप लोगों की जानिब से, एक कलेक्टिव नैरेटिव है आप लोगों का, आप ये कहना चाह रही हैं? देखिए मैं ये कहती हूँ कि ना इमरान खान गद्दार हैं ना कोई और पाकिस्तानी गद्दार है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ये मेरा हक नहीं है और ना किसी और का हक है कि वो लोगों को गद्दार कहे, ये किसी का हक नहीं है। ये बहस जो है ख़त्म होनी चाहिए, या फिर अगर ये काम शुरू करना है तो फिर सब पे इसका इतलाक, तमाम लोगों का एक एक बयान जो जो आप उनके खिलाफ समझते हैं, अयाज सादिक भी आ जाएं, फिर बीच में आपके तमाम लोग बाकी भी आ जाएं, फवाद चौधरी भी आ जाएं, इमरान खान साहब खुद आ जाएं, उनके तो दर्जनों बयान हैं, फिर वो तमाम आप ले जाएं, ये कर लें,
तमाम को ले जाएं और फिर तमाम को एक साथ कटहरे में खड़ा, फिर कोर्ट को फैसला करने दें कौन कतार। लेकिन फिर ये ना समझे कि ये मामला यहाँ रुक जाएगा। आज इस मुल्क के चौक चौराहों में आप अभिनंदन के साथ साबिक स्पीकर की तस्वीर लगाते हैं, अच्छा फिर आप साबिक गवर्नर भी गद्दार हैं, फिर इस मुल्क के 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म भी गद्दार है, फिर आप बिलावल भुट्टो साहब को भी गद्दारी का कुछ अरसा पहले सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो मुझे बताइए फिर उस हिसाब से जिन तमाम लोगों ने इन गद्दारों को वोट दिया और अब देंगे आइंदा, वो तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान गद्दार है। मुझे आपको याद होगा, आई डोंट नो सक आपने ये शो किया या नहीं, लेकिन बहुत से एंकर्स उस रात को भी ये सवाल कर रहे थे और शो में ज़ेरे बहस था कि क्या सिविलियन हुकूमत पर कोई ज़ोर था, कोई प्रेशर था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी 48 घंटों के अंदर वो आदमी जो बॉम्ब बांध कर आया, जिसकी इंटेंट थी, जिसने एक एक्ट ऑफ वॉर किया, उसकी नीयत में हमें कोई शक, कुलभूषण की नीयत पर बहस कर रहा है इंडिया कि उसको पकड़ लिया, वो ये है, वो है, वो नहीं था, क्योंकि वो जासूस था। ये आदमी एक एक्ट ऑफ वॉर एग्रेशन करने पाकिस्तान की हदूद पार करके आया और पकड़ा गया, लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पाकिस्तानियों को मारने आया था। उस पर हमें ये लगता था इस पाकिस्तानी की कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसको छोड़ दे वरना इसके संगीन नतीजे।